रात के 1 बज रहे हैं, हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है। गाड़ी ठीक हो रही है भाई, ठीक कर रहे हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि अगले सोमवार को हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर नासिक, वहाँ पे भी इसी तरह से पानी का सामना हुआ था, हमारा बारिशों का सामना हुआ था, लेकिन हम हार नहीं माने थे। जिस पोजीशन में आज आप देख रहे हैं, थोड़ा दूर से देखिए, ठीक उसी पोजीशन में उस दिन भी हमने सामना किया था, लेकिन बाबा का दर्शन पाया था। आज भी दर्शन पा लिए हैं और हम अब अगले मंजिल की ओर, यानी कि कहाँ जा रहे भाई? ओमकारेश्वर। आज हमारा दूसरा दिन है, दूसरे दिन हम सुबह निकले हैं 7 बजे। देखो मॉर्निंग टाइम में सबको चाय पीने बैठे हैं। आज का दूसरा दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश बहुत आ रहा है, फिर भी हम लोग संघर्ष किए गए हैं, जा रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए, थोड़ा चाय पीएंगे और अब जाते हैं ओमकारेश्वर में, करेंगे चढ़ाई। आज आप दूसरे दिन में मस्त लग रहे हैं, और हम लोग आए हैं। देखिए यहाँ पे ठंड थोड़ा लग रहा था, इसके लिए थोड़ा चाय पियेंगे और शरीर में हमारे गर्मी आएगा। गर्मी आने के बाद थोड़ा सा रास्ता का हम सफर कर सकेंगे, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा सा गर्म चाय। जाते हुए हम लोग ऑटो में जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं बच्चों जैसा? देखो भाई बहुत मजा, क्या करेंगे, यही तो है असली मजा सफर का। मालूम कितने लोग, 1 2 3 4। देखो छोटे बच्चे बैठते हैं ना सीट पे, वैसे बैठे हुए 20 रुपए काम हो गया वाले वर्दी के। हाँ, स्कूल में जो वर्दी भरते हैं वो वाले बच्चे, सबसे क्यूट बच्चे देखो पीछे बैठे। ये मेरा ही वाला परीक्षा है, अलग थोड़ी है। हमारे मनीष भाई आगे लेते हुए मास्क पे नहीं देख पाएंगे हम लोग, गलत तरीके से बैठा हूँ। सर आगे कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग यहाँ से बस स्टॉप और वहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर के लिए जाएंगे, और मुमकिन होगा तो आज रात तक शाम तक दर्शन हो जाएंगे बाबा हर हर महादेव। हम लोग वैसे बस में बैठ के भी निकल रहे हैं, टीम बैठ गई है बस में बैठे हुए हैं, और महावारी मंडू में हम लोग इंदौर तक का सफर करेंगे। इंदौर के बाद फिर वहाँ से कोई ना कोई साधन लेंगे, साधन लेने के बाद हम वहाँ से जाएंगे ओमकारेश्वर, जहाँ पे फिर से हम एक बार पूजा अर्चना करेंगे और थोड़ा भक्ति में लीन हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से ओमकारेश्वर महाराज की। भाई जानते हैं मंटू भाई, हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ पे ओमकारेश्वर है, नदी है नर्मदा, उसमें स्नान स्नान करके थोड़ा पहाड़ जैसा है, चढ़ना पड़ेगा, काफी 1 घंटे लगेंगे वहाँ पे ओमकारेश्वर का दर्शन करते हुए। चलो अभी चल ही रहे हैं आगे, देखते हैं। हमको भी ठंडी वंडी लग रही है, बहुत गीले विले हो ही चुके हैं, पता नहीं क्या, और अच्छी ठंडी ही लग रही है मुझे आजकल। बारिश सुबह से आ रही है, बारिश इतनी आ रही है, आज बाबा की पालकी निकलने वाली थी तब से ही सुबह से ही बारिश ही बारिश आ रही है, कोविड के चलते बाबा के लिए। हाँ भगवान भी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए पालकी तो था, सावन का महीना था, ये देखने का आनंद ही कुछ अलग था, लेकिन कोविड को लेके ज़्यादा लोगों का भीड़ भड़ाका जमावड़ा, इसके लिए प्रशासन थोड़े अपने चुस्ती में है, इसके लिए हम ये यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। हम अब जा रहे हैं कहाँ? ओमकारेश्वर, वहाँ पे मिलते हैं, लेते हैं तब तक छोटा सा प्रेयर। जैसे कि हम बस पे बस चेंज कर रहे हैं, अब यहाँ से नौनक्का के लिए बस है बोलते हैं, फिर वहाँ से भी कुछ पकड़ना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ कहना चाहेंगे, इंदौर जंक्शन है, इसके बगल से गुजर रहे हैं और यहाँ से ओमकारेश्वर जाना है, तो दिक्कतें तो हो रही है, और आज दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन दर्शन का तो बात दर्शन करेंगे। जैसे कि हम बस पे बस चेंज कर रहे हैं, ये दूसरी बस आई है, अब इसमें देखो भगवान भाई बोलिए। तो गाइस हमने अभी तक 2 से 3 बसें चेंज कर चुका है, और ये जो अभी हम लोग बस चेंज किए हैं
ये बस में बड़ा अच्छा है, टीवी वगैरह भी देखने को मिल रहा है और भी बहुत कुछ अच्छा जब देखने को मिल रहा है। और हम लोग अब चल रहे हैं कहाँ पे, ओम कालेश्वर के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और बहुत ही जल्द आपको अपडेट देते हैं ओम कालेश्वर पहुँच के। पहले ही बोलना चाहिए। 140 ये लो, ये लो, ये लो, दो जन का टिकट लो। तो छह लोग का टोटल है यार, छह जन का टिकट है यार, तो मजाक कर रहे हो। आपकी हो गई? हाँ, एक बोलना, 600 रुपये कौन सी बताओ जरा मेरे को। ये देखो, 1, 2, 3, 4 5, 6 ये 6 हो गई। चलो फिर अब मत बोलिएगा टिकट ले लिए हमारा। बोलो चालू है, बहुत परेशान है हम भैया। अभी तक हम 4 फ्लोर चेंज करने जा रहे थे, अभी तक बैठते आ रहे थे, अब तो खड़ा होने पे आ गए हम लोग। थोड़ा देर बोलेंगे गेट के बाहर तक मत यार। नहीं नहीं, ये कैन का कहने का मतलब ये कि सीधे इंतजाम है, बिगड़ जाते हैं तो परशुराम का रूप ले लेते हैं। मैं अभी क्या करते, टिकट नहीं देते तो यहाँ भगवान भाई का गमछी छूट गया। भगवान भाई क्या कहना चाहिए? जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा गमछा छूट गया। 3-4 साल से गमछा रखा था, जगह जगह पर छेद हो गया था, मैं फिर भी चला रहा था। पर मैं सोचा था कि 1-2 साल और चलाऊंगा। महाकाल ने ले लिया। क्या कहना चाहोगे? महाकाल ने ले लिया, बोले बहुत सागा पनौती रखते हो भगवान। अरे चाबी लगा, चाबी लगा बच्चे में। जैसे कि हम नर्मदा नदी से बस स्नान करके बाहर निकले हैं, मंटू भाई इसके आगे की तरफ अपडेट बताइए, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जाएंगे ओम कालेश्वर मंदिर पे, यहाँ से ऐसा जाना है, यहाँ चढ़ के ऊपर। ये नदी के कुछ बारे में बताइए। ये नर्मदा खाड़ी है, नदी है जो गंगा मैया बोलते हैं, यहाँ पे स्नान होता है, स्नान के बाद ही आदमी मंदिर में जाते हैं। चलिए हम सारे दर्शन तो कर लिए, अभी जाके
हम इस वक्त जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। एक रास्ते पे गए वहाँ से जी बोल रहे हैं थोड़ा लेट हो चुके आप लोग भक्त लोग, तब हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं दूसरे मंदिर पे, देखते हैं वहाँ जाने के बाद होता है क्या, क्या? तब तक बने रहिए हमारे साथ। दो मंदिर था ना, एक ओंकारेश्वर और एक दूसरा घमसान, दो मंदिर चालू होगा। कौन सा मंदिर चालू है इस वक्त? घमशंकर करते हैं घमशंकर। कैसा लगा आप लोग को दर्शन करके? बहुत बहुत ही एकदम भाग्यशाली थे जो हमको आखिरी समय में लास्ट आरती थी और बाबा के हमारे दर्शन हो गए। आरती किया हूँ महादेव की कृपा, आज नहा के नर्मदा माता में डुबकी लगाकर आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव सदा प्रसन्न है, शिव आज भी गुरु है, हम उनके अध्यात्म हैं, हम उनके वो हमारे पालनहारता है और उनके लिए हर नतमस्तक हैं, हम दंडवत हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रात के बज रहे 12 बजे, हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए और आधे घंटे हो चुके थे भगवान को खाना नहीं मिला। खाना तो मिल जाए अलग की बात है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? नींद। रिलीफ बनाना भगवान भाई। रिलीफ रिलीफ बोले तो ओनली फॉर स्लीपिंग। स्लीपिंग आई एम वेरी टाइट। कब से खाने का वेट कर रहे हैं? आई एम वेरी टाइट। बहुत यही तो एंजॉय है भक्ति, इसी को बोलते हैं। बट आई एम वेरी टाइट। यही सबसे भगवान मिलता है। मंटू भाई बड़े शांत दिख रहे हैं। भूख के मारे जान जा रही है, सुबह तो कुछ खाए नहीं, खाने के लिए बैठे तो खाना नहीं आया। अपना मतलब तो निकलो ना, वो ये बात भी सही। रात के 1 बज रहे हैं, हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है, गाड़ी ठीक हो रही है। गाड़ी चल रही है ऑलरेडी, और चल रहे जा रहे हैं, सब कुछ जा रही है।